नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कहा जाता है। मोसाद ने कई बार ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है कि दुनिया उसकी कायल हो गई। एक बार फिर मोसाद ने कुछ ऐसा करने का दावा किया है कि दुनिया भर में ये खुफिया एजेंसी सुर्खियों में। मोसाद ने करीब 50 साल बाद अपने जासूस एली कोहेन की घड़ी को तलाश लिया है। एली कोहेन मोसाद के वही जासूस हैं जिन्हें सीरिया में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। कोहेन की मौत के करीब 50 साल बाद मोसाद ने उनकी निशानी को सीरिया में एक विशेष अभियान चलाकर खोज निकाला है। खुफिया एजेंसी की इस सफलता पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, मैं मोसाद के लड़ाकों के दृढ़ एवं साहसिक अभियान की प्रशंसा करता हूँ जिसका एकमात्र मकसद अपने महान जासूस की निशानी को इसराइल को वापस सौंपना था, जिसने देश को सुरक्षित बनाए रखने में अहम योगदान दिया था। मिस्र में पैदा हुए कोहेन ने 1960 के दशक में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को ज्वाइन किया था। इसी दौरान वो अरब जगत की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने के लिए सीरिया चले गए थे। कोहेन की खुफिया जानकारियों की वजह से ही 1967 में हुए अरब इजरायल युद्ध में इजरायल को जीत हासिल हुई थी। हालांकि इस जीत से पहले ही 1964 में सीरिया सुरक्षा अधिकारियों को कोहेन की सच्चाई का पता चल गया था और 18 मई 1965 को उन्हें सरेआम चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया था। कोहेन ये घड़ी सीरिया में पकड़े जाने से पहले पहनते थे। फिलहाल उनकी ये घड़ी मोसाद मुख्यालय में प्रदर्शन के लिए रखी गई है, जिसे बाद में उनके परिवार को सौंपा जा सकता है।